बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज मैं आपको स्वाति टांके से जो बड़े वाला शीशा लगाया जाता है उसका वो तरीका सिखाऊंगी। ये पहले से मैंने स्वाति टांके में शीशे लगा के रखे हुए हैं, ये देखें बहुत ही प्यारे लगते हैं ये। इनके अंदर पत्तियां बन जाती हैं, स्वाति शीशा का जो तरीका है ये देखें। बहुत सारे मैंने ये शीशे लगाए हैं आपको दिखाने के लिए। आज मैं आपको मुकम्मल शीशा स्वाति टांके में लगाने का तरीका बताऊंगी। ये पांच नंबर नाज़रीन मैंने शीशा इस्तेमाल किया है बड़े वाला। ये बगैर नीचे समाद लगाए मैं बताऊंगी आपको किस तरह, थोड़ा सा मुश्किल होता है अगर समाद ना नीचे लगाएं तो। ये देखें नाज़रीन, ये मैंने पर्पल धागा सुई में डाला है, लंबे वाली सुई है और ये पांच नंबर शीशा है। इसको ऐसे करना है, पहले चारों तरफ से मैंने ये से कच्चा कर लेना है। इसकी आठ पत्तियां बनेंगी जो कि हमने स्वाति टांके में बनानी है। ये बराबर बराबर ये देखें, जिन मेरी बहनों ने मेरे चैनल को अभी अभी वॉच किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखें अब इनके दरमियान में एक एक हम और लगाएंगे। ये देखें ये हमारी छः लाइनें हो गई और ये सात। नाज़रीन आप गौर से देखें, इस तरह से ये जो हमने पहले बनाई है नीचे से इस धागे को उठाना है इस तरह करके, फिर इधर से क्योंकि ये अपनी जगह से हिले ना शीशा, इधर उधर ना हो। दरमियान में ही ये रहेगा, अब हम इसे ये देखें एक धागे को उठाना है और एक को नीचे करना है इस तरह से। नाज़रीन अगर आपको इस मेरी वीडियो की आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको शीशा लगाना दोबारा सिखा दूंगी। ये देखें ये हमने सिर्फ दो मरतबा करना है। अब ये बिल्कुल बराबर है। अब इस धागे को जो एंड वाला है नीचे की तरफ लेके जाना है हमने, इसे पक्का करने के लिए एक हम दो टांके लगा देंगे इधर ही क्योंकि ये अपनी जगह से धागा ही लेना। अब इस धागे को हमने उठाना है इस तरह करके। अब ये थोड़ा सा इधर से ये सारी पत्तियां हमने बराबर बराबर बनानी है। ये है स्वाति टांके में शीशे लगाने का तरीका, इस तरह ये बनाते जाना है।
ये जो मैं धागा इस्तेमाल कर रही हूँ ये डबल प्लाई ऊन है। डबल प्लाई ऊन से बहुत ही अच्छा शीशा लगाया जाता है। आप भी यही तरीका और धागा इस्तेमाल करें। अब हमने सुई को यहाँ से निकालना है दूसरी पत्ती बनाने के लिए। अगर नाज़रीन आपको पत्ती में ये गैप ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा धागे को खींच लेना है। ये मुझे छोटा लग रहा था इसलिए मैंने धागे को थोड़ा सा खींच के इसके बराबर कर लिया है। ये इतना तक हमने ये फिल करना है कि पत्ती बहुत प्यारी बनेगी। अगर हमने कम किया तो वो पत्ती अच्छी नहीं बनेगी। आजकल शीशों का बहुत ट्रेंड है। अब हम अगली पत्ती बनाएंगे। ये कम है तो हम इसको थोड़ा सा आगे सुई को निकाल के इसके बराबर हम पत्ती को बना लेंगे। ये देखिए ये वाली पत्ती बराबर हो गई। अब ये धागा है इसको हमने ऐसे करके इसके बराबर खींच लेना है। थोड़ा सा ये बराबर आ जाएगा। ये हमारी चौथी पत्ती बन रही है स्वाति टांके में। ये 8 पत्तियां हैं नाज़रीन। 4 हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं और 4 हम ये साथ साथ बनाते जाएंगे। नाज़रीन मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आए कि ये चीज़ किस तरह से
बनाई गई है। नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। ये हमारा स्वाति टांके में शीशा मुकम्मल हो चुका है। ये देखिए बहुत ही प्यारा ये शीशा लगाया गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।